नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। राजस्व विभाग में बिहार सरकार बहाली करने जा रही है। बहाल कर्मियों को विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्ती कार्य में लगाया जाएगा। यह जानकारी बुधवार को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता ने विधान परिषद में दी है। विधान परिषद में बजट पर वाद विवाद के बाद सरकार के जवाब में वह बोल रहे थे। उन्होंने यह भी कहा है कि इसे 3 महीने के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। कुल 10,000 पदों पर भर्तियां होंगी। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई द्वारा एक टीवी चैनल को दिया गया इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लॉरेंस फिलहाल पंजाब की भटिंडा जेल में बंद है। यह इंटरव्यू उसने राजस्थान पुलिस की हिरासत में रहने के दौरान दिया है या भटिंडा की जेल से, इस बात का खुलासा फिलहाल नहीं हुआ है। इस इंटरव्यू के वायरल होने के बाद जेलों की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई है। साफ तौर पर पता चल गया है कि जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर अपने पास एंड्रॉइड मोबाइल रखते हैं और इंटरनेट कॉलिंग के जरिए अपने गैंग का संचालन करते हैं। बिहार से नेपाल और बांग्लादेश से प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी होती है। मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग की टीम ने इसका पर्दाफाश किया। सिवान से अररिया होकर नेपाल व बांग्लादेश तक कोडिन युक्त कफ सिरप की तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। अररिया में होटल संचालक मनोज भगत सिंडिकेट का सरगना है। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम छापेमारी कर रही। उत्पाद विभाग के बॉर्डर चेक पोस्ट पर मंगलवार देर रात सिवान से आ रही पिकअप वैन पकड़ी गई। वैन से 36 कार्टन कोडिन युक्त प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद हुए हैं। लगभग पूरी दुनिया के साथ भारत भी पिछले कुछ समय से सेमीकंडक्टर की कमी का सामना कर रहा है, जिसका असर ऑटो इंडस्ट्री समेत पूरी आईटी सेक्टर पर भी पड़ रहा है। लेकिन अब इससे जल्द उबरने की उम्मीद नजर आ रही है। हाल ही में भारत सरकार में आईटी और कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश में पहले सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट के शुरू होने की घोषणा जल्द ही की जा सकती है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने बयानों की याद दिलाकर बीजेपी पर बड़ा चोट किया है। बीके ने कहा है कि बिहार में विकास इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग अनावश्यक मुद्दों पर वोटिंग करते हैं। कभी जात पर, कभी धर्म पर, तो कभी किसी के नारे से प्रभावित होकर मतदान करने की परंपरा से लोग ऊपर नहीं उठ रहे हैं। यही वजह है कि लोगों को नेता मूर्ख समझते और अपना वादा पूरा नहीं करते। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में खालिस्तानी समर्थकों ने जबरन भारत के मानद वाणिज्य दूतावास को बुधवार को बंद करवा दिया। या ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय के खिलाफ हो रही कट्टरपंथी गतिविधियों की श्रृंखलाओं में एक और घटना है। बताया जा रहा है कि खालिस्तान समर्थक अपने साथ पोस्टर बैनर लेकर आए थे और उन्होंने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। क्वींसलैंड पुलिस ने बताया कि ये लोग अनाधिकृत रूप से इकट्ठा हुए थे। शराबियों पर सख्ती के लिए राज्य सरकार इस योजना के तहत पूरे राज्य में 42 स्थानों पर आधार ऑथेंटिकेट मशीन की स्थापना करेगी। शराब के साथ पकड़े जाने वाले या शराब पीने वालों को पुलिस पकड़कर पहले आधार ऑथेंटिकेट सेंटर लाएगी, फिर उसका बायोमेट्रिक डाटा भी मशीन में दर्ज किया जाएगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर आधार मैच करके उसे जेल भेज दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पुंछ जिले के अपने दौरे के दौरान नवग्रह मंदिर में पूजा अर्चना की। पुंछ जिले के 2 दिवसीय दौरे पर आए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख पुंछ हिस्सेमा पर नवग्रह मंदिर पहुंची है। यहां उन्होंने पूरे मंदिर का चक्कर लगाया और शिवलिंग पर भी जल चढ़ाया। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में बनी यशपाल शर्मा की प्रतिमा पर पुष्प वर्षा भी की है। वही महबूबा मुफ्ती का मंदिर जाना बीजेपी की जम्मू कश्मीर विंग को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उनकी इस मंदिर यात्रा को राजनीतिक नौटंकी बताया है। तेजस्वी यादव 25 मार्च को सीबीआई के सामने पेश होंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में तेजस्वी यादव की याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा है कि वह बिहार के उपमुख्यमंत्री को इस महीने गिरफ्तार नहीं करेगी। इसके बाद तेजस्वी यादव सीबीआई के सामने पेश होने के लिए तैयार हो गए हैं। तेजस्वी यादव 25 मार्च को दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय में सुबह 10:30 बजे पूछताछ के लिए पेश होंगे। बता दें कि तेजस्वी यादव ने नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई समन पर रोक की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर इस पर रोक लगाने की मांग की थी। बार काउंसिल ऑफ इंडियन यानी बीसीआई ने विदेशी कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मुद्दों और मध्यस्थता जैसे क्षेत्रों में विदेशी वकीलों और विधि फर्म को वकालत करने की अनुमति देने का फैसला किया। बीसीआई ने कहा है कि इससे भारतीय और विदेशी दोनों तरह के वकीलों को लाभ होगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बीसीआई ने भारत में विदेशी वकीलों और विदेशी विधि पंजीकरण और नियमन 2022 के लिए नियम अधिसूचित किया है। महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच चल रही कानूनी लड़ाई में सुनवाई के दौरान बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के उद्धव ठाकरे से बहुमत साबित करने के लिए कहने का आधार पूछा है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसा क्या राज्यपाल के सामने था जिसने उन्हें लगा कि सरकार बहुमत खो चुकी है। पीठ ने सवालों के दौरान टिप्पणी में यह भी कहा है कि राजनीतिक दल में असंतोष बहुमत साबित करने को कहने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता। नोबेल पुरस्कार समिति के उपनेता असले तोजे ने पीएम मोदी को लेकर कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोबेल शांति पुरस्कार के सबसे बड़े दावेदार हैं। उनके अनुसार पीएम मोदी एक ऐसे नेता हैं जिनके चलते भारत अमीर और एक ताकतवर देश बना है। टीकों के महत्व को बढ़ाने के लिए हर साल 16 मार्च को भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है।
टीकों के महत्व को बढ़ाने के लिए हर साल 16 मार्च को भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1995 में आज के ही दिन भारत में ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। पहली खुराक देने के साथ ही देश से पोलियो के पूर्ण उन्मूलन के लक्ष्य के साथ सरकार के पल्स पोलियो कार्यक्रम को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस या टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। वित्त राज्य मंत्री ने सदन में बताया कि ऑनलाइन बैंकिंग लेन देन में धोखाधड़ी के मामलों में कमी आई है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2022 में ऑनलाइन धोखाधड़ी में शामिल राशि करीब 17.5% घटकर 128 करोड़ रुपए रह गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 160 करोड़ रुपए थे। कनाडा से 700 से अधिक भारतीय छात्रों को वापस लौटना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकारियों ने शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश प्रस्ताव पत्र को नकली पाया है। छात्रों को हाल ही में कनाडा की सीमा सुरक्षा एजेंसी से निर्वासन पत्र मिला है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इन 700 छात्रों ने ब्रजेश मिश्रा की अध्यक्षता वाली शिक्षा प्रवासन सेवाओं के माध्यम से अध्ययन वीजा के लिए आवेदन किया था। एशिया कप 2023 के लिए मेजबानी स्थल को लेकर अभी भी असमंजस बरकरार है। पाकिस्तान को मूल रूप से मेजबान का दर्जा दिया गया था। हालांकि बीसीसीआई सचिव और एशियाई क्रिकेट परिषद के प्रमुख जय शाह ने पिछले साल कहा था कि भारत पाकिस्तान की यात्रा नहीं करेगा। ऐसे में अब ये बहस छिड़ी हुई है कि अगर भारत एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा तो वो भी वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं आएगा। देश में डिजिटल रुपए का चलन बढ़ा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि 28 फरवरी तक पायलट बेसिस पर देश में 130 करोड़ की कीमत के ई रुपए सर्कुलेशन में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल रुपए को होलसेल सेगमेंट के लिए 1 नवंबर 2022 को जारी किया था, जबकि रिटेल सेगमेंट के लिए 1 दिसंबर 2022 को पेश किया गया था। वित्त मंत्री ने कहा है कि 9 बैंकों को ई रुपया सर्कुलेशन में रखा गया है। अमेरिका में शुरू हुए बैंक संकट की आंच अब यूरोप तक पहुंचने लगी है। यूरोप के सबसे बड़े बैंक क्रेडिट स्विस के लिए पिछला कुछ दिन बेहद मुश्किल रहा है। बैंक के शेयरों में भारी गिरावट का सिलसिला जारी है। इस मुश्किल समय में इसके लिए एक और बुरी खबर है। बैंक के सबसे बड़े निवेशक ने इस मुश्किल वक्त में बैंक में निवेश करने से इनकार कर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 31 जनवरी को संसद के संयुक्त सत्र में कहा है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन चुका है। इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन के इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 के अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे अधिक ऊर्जा खपत करने वाला देश है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन बाजार बन चुका है और यहां लॉजिस्टिक्स मार्केट 2025 तक 320 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। ऑल इंडिया किसान सभा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में 10,000 के करीब आदिवासी किसान एक बार फिर लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। इस मार्च के आयोजक में सीपीआईएम नेता डॉक्टर अशोक धवले, पूर्व विधायक जीवा पांडू गावित, डॉक्टर अजीत नवले, सीपीआईएम नेता उदय नारकर का नाम शामिल है। नासिक से प्याज की कीमत समेत डिमांड का चार्ट लेकर किसान मार्च कर रहे हैं। भारत दुनिया के उन टॉप 5 देशों में शुमार है जो सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल प्रोड्यूस करते हैं। भारत सरकार चाहती है कि ऑटो कंपनियां पीएलआई स्कीम का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। सरकार ने ऑटो सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम के तहत 25,929 करोड़ रुपए की राशि तय की है। अब ऑटो मेकर्स और वाहन कल पुर्जे बनाने वाली कंपनियों को लोकलाइजेशन से जुड़ी कई सारी जटिल जानकारियां नहीं देनी होंगी, जैसे कि पहले नियम बनाया गया था। ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2021-22 रिपोर्ट पेश करती है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्जन डॉक्टरों की लगभग 83% कमी है। बालों चिकित्सकों की 81.6% और फिजिशियन की 79.1% कमी है। यही हाल प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञों की, ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी अमूमन 72.2% की कमी है। इतना ही नहीं, वह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की हालात भी ठीक नहीं है। भारतीय रेलवे 7 अप्रैल को नई दिल्ली से रामायण यात्रा को फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। रेलवे अधिकारियों ने कहा है कि यात्रा उत्तर प्रदेश में अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी सहित भगवान राम के जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण स्थानों को कवर करेगी। भारतीय रेलवे का कहना है कि ट्रेन में यात्रा करने वाले पर्यटकों को अयोध्या में एक पड़ाव दिया जाएगा, जहां वे श्री राम जन्मभूमि मंदिर, हनुमान मंदिर जाएंगे और सरयू आरती भी देख सकेंगे। दिल्ली और मुंबई सहित विभिन्न हवाई अड्डों पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ व कतारों को लेकर संसदीय समिति ने चिंता जताई है। संसद में रखी रिपोर्ट में केंद्रीय नागरिक उन्नयन मंत्रालय को कहा गया है कि टर्मिनल के विस्तार पर जोर दें, साथ ही चेक इन काउंटर व सुरक्षा जांच द्वारा भी बढ़ाया जाए ताकि यात्रियों को आवागमन में बाधा न आए। पिछले साल मार्च के महीने में गलती से ब्रह्मोस मिसाइल के पाकिस्तान में जाकर गिरने के मामले में एक निलंबित विंग कमांडर अभिनव शर्मा ने अदालत का रुख किया है। शर्मा को भारतीय वायुसेना ने पिछले साल मार्च में दुर्घटनावश पाकिस्तान में ब्रह्मोस मिसाइल गिरने के बाद निकाल दिया गया था। अब शर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट में रक्षा मंत्रालय और वायुसेना प्रमुख के खिलाफ मामला दायर किया। उनका दावा है कि उनकी बर्खास्तगी गलती थी और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने उन्हें अपना बचाव करने की अनुमति नहीं दी गई। संसद की एक समिति ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को बेरोजगारों के लिए संकट काल में आशा की किरण बताते हुए इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमान की तुलना में वर्ष 2023-24 में मनरेगा के बजट अनुमान में 29,400 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। समिति ने मनरेगा के अंतर्गत काम की मौजूदा काम की मांग का सही आकलन करने की भी सिफारिश की है। साथ ही
मौजूदा मार्केट रेट के आधार पर मजदूरी बढ़ाने का भी सुझाव दिया है। भारतीय नौसेना ने भारत के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत की याद में दो पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। नौसेना ने 16 मार्च को दिवंगत जनरल की 65वीं जयंती की पूर्व संध्या पर यह घोषणा की है। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाला ने बताया है कि पहला पुरस्कार योग्यता के क्रम में समग्र रूप में प्रथम रहने वाले महिला अग्निवीर प्रशिक्षु को दिया जाएगा और दूसरा पुरस्कार गोवा स्थित नौसेना युद्ध महाविद्यालय में नौसेना उत्तर कमान पाठ्यक्रम कर रहे मोस्ट रिप्यूटेड ऑफिसर को दिया जाएगा। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है एचके मल्होत्रा, रविशंकर, अभिषेक राज, नुन्नू गोलू कुमार, कुशलेंद्र कुमार सिन्हा, एमडी साकिर हुसैन, सोनी कुमारी, रियांश प्रताप सिंह और एमडी नौशाद रजा। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्रों की हालत ठीक करने के लिए सरकार को क्या कदम उठाए जाने चाहिए। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।